हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल के अंतर्गत सैंडविच मॉडल और रिवाइज मॉडल ऑफ डेवसन एंड डेनियली मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में जानने वाले हैं डिटेल से। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ओवरटन मॉडल देख चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि वह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह लिपिड नेचर की होती है। उसके बाद हम लोगों ने गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल जान चुका है, जिसमें हम लोग को ये पता चला कि लिपिड जो है बाइलेयर होता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सरफेस टेंशन मॉडल के बारे में जाना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि सेम टाइप के लाइक के जैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है एक जैसे मॉलिक्यूल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सैंडविच मॉडल के बारे में। यहाँ क्या लिखा है इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, यहाँ जो बोला जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह जो डेवसन एंड डेनियली मॉडल है ये जो है ये आप लोग को दिखाई दे रहा है यही सैंडविच मॉडल है। जैसे सैंडविच कैसे होता है, उसमें बाहर तरफ क्या होता है, ब्रेड होता है, ठीक है, बाहर में ब्रेड होता है और अंदर में जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो ऐसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिखाई देता है। ऐसा किसने कहा, डेवसन एंड डेनियली साइंटिस्ट ने कहा 1935 में। देखिए ये डेवसन एंड डेनियली का नाम जो है आपको याद करने पड़ेगा, क्योंकि हमारे चाचा मामा तो हैं नहीं कि हम लोग को ऐसे ही याद हो जाए। इसको याद रखना पड़ेगा कि सैंडविच मॉडल किसने दिया है, डीडी मतलब कि क्या, डेवसन एंड डेनियली ने दिया है 1935 में। तो इस मॉडल के अनुसार देखो इन्होंने क्या कहा कि जैसे सैंडविच में ब्रेड ऊपर ऊपर रहता है, वैसे ही जो प्रोटीन है, देखो ये प्रोटीन है, ये भी क्या है, ऊपर में है, और बीच में जो मसाला होता है ना सैंडविच में, वैसे ही बीच में क्या है, इसमें लिपिड हैं जो कि टू लेयर की बनी होती है, ठीक है। ऐसा कहा इस मॉडल में, सैंडविच मॉडल में। इस मॉडल को हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी जो मॉडल है ये सर्टिस्फाइड मॉडल नहीं थे। तो बाद में जो है डेवसन एंड डेनियली ने फिर से उन साइंटिस्ट के मॉडल देने के बाद इस मॉडल को दिया, लेकिन यह भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया। इसके बाद जो डेवसन एंड डेनियली ने फिर एक मॉडल दिया, जिसको हम लोग इस डायग्राम में समझने वाले हैं, जिसको रिवाइज मॉडल ऑफ डेवसन एंड डेनियली कहा जाता है। तो इस मॉडल देखो ये है, ये डेवसन डेनियली का ये सैंडविच मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल, और ये जो है डेवसन एंड डेनियली का रिवाइज डेवसन डेनियली मॉडल है, जिसमें क्या कहा इन्होंने कि प्रोटीन तो बाहर में रहता ही है, साथ ही इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन लिपिड का एक पोर भी पाया जाता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ इस तरह का प्रोटीन लिपिड पोर पाया जाता है। लेकिन यह भी मॉडल एक्सेप्टेड नहीं किया गया दोस्तों, क्योंकि इसमें भी कुछ और संरचनाएँ थी जिसको स्पष्ट नहीं कर पाया, तो यह मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो देखिए उसके बाद जो है और एक मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आ गया। देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जो है रॉबर्टसन ने दिया, क्यों किसने दिया, रॉबर्टसन ने 1950 में, देखो किसी बुक में 1950 है, इसी में 1953 भी है, ठीक है। तो यदि आपको एग्जैक्ट आंसर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में यदि इतना देता है तो इसमें से किसी एक ऑप्शन देता है तो आपको उसको राइट लगाना है। तो इस मॉडल में हम लोग क्या जानेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह मुख्य रूप से तीन लेयर की बनी होती है, इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा है ट्राईमेलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ट्राईलेमिलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तीन लेयर है। देखो बाहर में एक लेयर किसका है, प्रोटीन का है, और बीच को जो है एक लेयर माना गया है, ये देखो ये बीच लेयर एक लेयर माना गया है इसको, और इसको जो है बाहर का ये प्रोटीन लेयर, जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ये बाहर में देखो ये भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। और रॉबर्टसन को याद करना, ठीक है, ये हमारे कोई काका या चाचा तो है नहीं, ठीक है, जो याद हो जाए तो याद करना, रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये अकेले हैं, देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अकेले हैं, जैसे ओवरटन अकेले थे वैसे ये भी अकेले हैं। तो देखो इसमें टोटल इन्होंने इसका परिमाप निकाला और बताया कि ट्राई लेमिलर मॉडल में ये टोटल जो है 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें बाहर की ओर जो प्रोटीन है ये 20 एंगस्ट्रॉम का, और ये देखो ये भी 20 एंगस्ट्रॉम का, और ये 35 भी 20 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, और ये जो लिपिड का जो लेयर है यह कितने एंगस्ट्रॉम का है, 35 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, लिपिड बाय लेयर। तो
20 और 35 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 और 20 कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रांग टोटल है, जिसमें से 40 एंगस्ट्रांग, 20 एंगस्ट्रांग इधर इस तरफ के प्रोटीन के और इस तरफ के, 20 एंगस्ट्रांग इस तरफ के प्रोटीन के और जो 35 एंगस्ट्रांग इस बीच वाले लिपिड बाई लेयर, तो टोटल जो है 35 एंगस्ट्रांग। तो यह ट्राई लेमिलर मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब इसको सर्वमान्य नहीं हुआ, क्योंकि और कुछ चीज़ें थी जिनको जो है ये सारे मॉडल जो है नहीं समझा पाए और यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी नहीं समझा पाया। ठीक है, तो वेल एक्सेप्टेड जो मॉडल है जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में दिया है, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सेल बायोलॉजी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ एक एक करके सारे वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट में फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और चैनल को पहले से सब्सक्राइब रखा करके रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।